हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और अगर आप लोगों ने RRB NTPC मुंबई से अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ जो नॉन टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, जो भी आपके नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं Level 2 में, Level 3 में और Level 5 में। ठीक है, ये टोटल जो आपके नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं इनका जो फाइनल कट ऑफ है या फिर DV के लिए आपको कितने नंबर पर कॉल आ सकता है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे कि साइको का एग्जाम जो हुआ है, साइको टेस्ट के बाद आपका जो है फाइनल कट ऑफ जो Level 6 का है वो कितना जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपकी नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं उनकी कितनी कितनी वैकेंसी आपकी मुंबई जोन में है। ठीक है, तो Level 2 में आपका जो एक नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो है ट्रेन क्लर्क। ठीक है, जिसकी यहाँ पे आपको 62 वैकेंसी है। और Level 3 की अगर मैं बात करूँ तो Level 3 में आपका जो है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, जिसकी यहाँ पे आपकी वैकेंसी टोटल जो है मुंबई जोन में 376 वैकेंसी है। ठीक है, अब Level 5 की अगर मैं बात करूँ, Level 5 में आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो है एक गुड्स गार्ड है आपका, जिसकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी जॉब की है वो 316 है। ठीक है, 376 आपका यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलर का है और गुड्स गार्ड का यहाँ पे 316 है। ठीक है, अब एक और पोस्ट है जो है आपका Level 5 में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसकी जो वैकेंसी आपकी टोटल 528 है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट अगर ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पे टोटल नॉन टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसी है 1228, जिनके कट ऑफ के बारे में कंबाइन आपसे बात करूँगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका जा सकता है इन पोस्ट के लिए। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे साइको टेस्ट के बाद आपका Level 6 में फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बात करेंगे जो कि आपके कट ऑफ पे डिपेंड करेंगे, आपका कट ऑफ कितना वेरी करता है वो फैक्टर्स आपके बहुत जो है प्रभावित करेंगे आपके कट ऑफ को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जो आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है नॉन टाइपिंग पोस्ट का। तो यहाँ पे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ आपका जा सकता है 87 ± 2। ठीक है, 87 ± 2 अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी का कितने मार्क्स पे जो है DV के लिए कॉल आएगा, तो ये आपका आएगा 75 ± 2 पे। ठीक है, अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है 75 ± 2 तो आपको जो है बिल्कुल ही DV के लिए कॉल आने वाला है, और SC कैटेगरी वालों के लिए है मुंबई जोन का। और ST की अगर मैं बात करूं, ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपका 70 ± 2 पे ही ST कैटेगरी वालों को DV के लिए कॉल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये जो मैं हाईएस्ट कट ऑफ लेके बता रहा हूं, ठीक है, इससे कम ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, यहीं पर OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC का कट ऑफ जो फाइनल जा सकता है 85 ± 2। ठीक है, OBC कैटेगरी के लिए ये हाइएस्ट का सब कट ऑफ है, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है जाने के। ठीक है, और लास्ट बचता है जो आपका EWS कैटेगरी का, EWS कैटेगरी में नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो कट ऑफ जा सकता है वो है आपका 83 ± 2। 83 ± 2 भी बिल्कुल ही आपके जो है चांसेस हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं DV के लिए। ठीक है, तो ये EWS कैटेगरी का हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टेशन मास्टर की, जो कि आपके Level 6 में आती है, और इसका साइको का एग्जाम आप लोगों का हो चुका है। तो आपने साइको का एग्जाम दिया है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या लेवल था साइको का। सेकंड आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें जो मांगा गया है वो A2 मांगा गया है, जो कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट इसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत पुरानी वैकेंसी है। तो इतने टाइम में बहुत ज़्यादा लोग जो है आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल स्टैंडर्ड ये जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी आपका कट ऑफ जो है थोड़ा कम इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा ही। 1 सीट पर 8 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो कम से कम 3 से 4 कैंडिडेट जो है साइको पास होने ही वाले हैं। 40 to 50% चांसेस हैं कैंडिडेट पास होंगे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपका इंक्रीज होने वाला है, जो कि आप जिस पे शॉर्ट लिस्ट हुए CBET के लिए उससे थोड़ा सा आपका इंक्रीज होगा। और इसमें साइको का मार्क्स जो है ऐड नहीं होने वाला है, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइको का टेस्ट केवल पास ही हो रहे हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 74 ± 2 आपका कट ऑफ रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का 74 ± 2। फिर हम बात करेंगे SC कैटेगरी का कितना कट ऑफ रह सकता है। तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट का अगर मार्क्स आ रहा है 58 ± 2, तो बिल्कुल सेफ जोन में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 57
प्लस माइनस टू सफिशियंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। और इसमें आपके साइको में और भी कैंडिडेट फेल होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी टिक्स। और यहीं पर हम बात करेंगे ओबीसी का, कि ओबीसी का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो आप मान के चलिए 65 प्लस माइनस 2 ओबीसी कैटेगरी का साइको टेस्ट के बाद जो है फाइनल कट ऑफ 65 प्लस माइनस 2 रह सकता है स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ हो सकता है 64 प्लस माइनस 2। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आपका जो है निश्चिंत हो जाएगी डीवी कराने की तैयारी के लिए और मेडिकल की चेकअप वगैरह करवा के फिट हो जाइए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो है दवाओं का उपयोग करिए और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने मार्क्स पे टीवी के लिए आपको कॉल आने ही वाला है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।